नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ यूपीएस, कि यूपीएस कौन कौन से टाइप के यूपीएस, इंडस्ट्रियल यूपीएस आते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूपीएस के बारे में कि यूपीएस में दो टाइप के यूपीएस आते हैं, एक तो पैरेलल रिडंडेंट टाइप यूपीएस और स्टैंडअलोन टाइप यूपीएस। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बताऊंगा बेसिक ओवरव्यू कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और डिस्क्रिप्ट में हम बाद में देखेंगे आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पैरेलल रिडंडेंट में क्या रहता है कि सपोज दो यूपीएस है, पैरेलल रिडंडेंट में दो यूपीएस रहेंगे, यूपीएस 1 और यूपीएस 2, और इसका इन दोनों का एक बैकअप रहेगा बाईपास, और इसको हम SCVS यानी कि सर्वो कंट्रोल वोल्टेज स्टेबिलाईजर भी बोलते हैं, और ये तीनों सप्लाई जाते होंगे लोड में। अब दोस्तों, जनरली पैरेलल रिडंडेंट टाइप यूपीएस में क्या होगा कि यूपीएस 1 और यूपीएस 2 दोनों 50-50% लोड शेयर करेंगे, यानी कि अगर इसका 200 एम्पीयर लोड है तो दोनों यूपीएस 100-100 एम्पीयर शेयर कर लेंगे ऑटोमेटिकली, और अगर यूपीएस 1 फेल हुआ तो पूरा लोड ट्रांसफर हो जाएगा यूपीएस 2 पे और वो 200 एम्पीयर फ्लो करेगा लोड को। अगर दूसरा यूपीएस भी फेल हुआ, पहला और दूसरा दोनों फेल हो गए, तो पूरा लोड स्विच हो जाएगा SCVS पे यानी कि बाईपास पे, और बाईपास से वो सीधा लोड को फीड करेगा। तो ये दोस्तों हुआ बेसिक ब्लॉक डायग्राम पैरेलल रिडंडेंट टाइप यूपीएस का। तो दोस्तों, स्टैंडअलोन टाइप यूपीएस में क्या रहेगा कि सपोज ये यूपीएस 1 है, ये यूपीएस 2 है, तो और ये लोड 1 है और ये लोड 2 है। तो दोस्तों, स्टैंडअलोन टाइप में जो बाईपास है वो दोनों का अलग अलग रहेगा, इसका यूपीएस 1 का बाईपास 1, यूपीएस 2 का बाईपास 2, और वो दोनों फीड होता होगा डायरेक्टली लोड में। तो दोस्तों, क्या होगा कि ये जो दोनों लोड है वो एक दूसरे से अलग, यानी कि यूपीएस 1 और यूपीएस 2 वो कोई लोड शेयरिंग नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे लोड शेयरिंग हो रहा था यूपीएस 1 और 2 में 50-50%, यहाँ पे ऐसा कोई फंडा है नहीं, दोनों यूपीएस स्टैंड अलोन चलेंगे लोड पे, लोड कोई पैरेलल होगा नहीं, लोड में कोई शेयरिंग होगा नहीं, यूपीएस 2 अपना लोड देखेगा, यूपीएस 1 अपना लोड देखेगा। और दोस्तों, दूसरा कि यूपीएस 1 अगर फेल होता है तो पूरा लोड है वो बाईपास पे आ जाएगा और उसका बाईपास 1 चालू रहेगा, वैसे यूपीएस 2 फेल होगा तो उसका लोड बाईपास 2 पे आ जाएगा। इस पैरेलल जैसा नहीं है कि यूपीएस 1 फेल होगा तो लोड ट्रांसफर होकर यूपीएस 2 पे पूरा आ जाएगा और वो फीड करेगा लोड 1 और लोड 2 दोनों को, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सिंपल यूपीएस फेल हुआ, इसका मतलब कि उसका बाईपास है वो सीधा लाइन में आ जाएगा। ये दोस्तों हुआ स्टैंडअलोन टाइप का। अब दोस्तों, बेसिक जो डिफरेंस दो हुआ वो क्या हुआ कि पैरेलल रिडंडेंट है वो 50-50% लोड शेयर करता है, स्टैंडअलोन है वो नहीं करता है। दूसरा कि दोस्तों, पैरेलल रिडंडेंट में क्या है कि जो बाईपास है वो सिंगल, दो यूपीएस के बीच में एक ही बाईपास, सिंगल बाईपास है, और स्टैंडअलोन में क्या है दोस्तों कि दोनों यूपीएस का खुद का एक एक बाईपास सिस्टम है, मतलब कि यूपीएस 1 के साथ बाईपास 1 है, यूपीएस 2 के साथ बाईपास 2 है। ये दोस्तों हुआ दो बेसिक डिफरेंस। तो दोस्तों, अगर कोई आपको पूछे कि पैरेलल रिडंडेंट और स्टैंडअलोन टाइप यूपीएस में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर दोस्तों आपको कोई क्वेरी है या तो फिर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।